राज्याभिषेक के अवसर पर धर्म विग्रह श्री राम ने मुनियों एवं ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान से संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने अपने मित्र सुग्रीव, युवराज अंगद, विभीषण, जामवान, नल और नील आदि सारे वानरों भालुओं को बहुमूल्य अलंकार एवं श्रेष्ठ रत्न प्रदान किए। हनुमान जी को क्या मिला? तो चलिए सुनते हैं इस कहानी में कि हनुमान जी को राज्याभिषेक के उपरांत श्री राम और माता सीता ने क्या दिया। बहुत सुंदर कहानी है, बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पौराणिक पॉडकास्ट। उसी समय भगवान श्री राम ने महारानी सीता को अनेक सुंदर वस्त्राभूषण अर्पित किया तथा एक सुंदर मुक्ता हार भी दिया। यह हार पवन देवता ने अत्यंत आदर पूर्वक श्री राम को दिया था। माता सीता ने देखा कि प्रभु श्री राम ने सबको बहुमूल्य उपहार दिए, किंतु पवन कुमार हनुमान को अब तक कुछ नहीं मिला। माता सीता ने प्रभु के द्वारा प्राप्त दुर्लभ मुक्ताहार निकालकर हाथ में ले लिया। महारानी सीता की इच्छा का अनुमान करके प्रभु ने कहा, प्रिय तुम जिसे चाहो इसे दे दो। महारानी सीता ने वह बहुमूल्य मुक्ताहार श्री हनुमान के गले में डाल दिया। चारों तरफ हनुमान जी के भाग्य की प्रशंसा होने लगी, परंतु हनुमान जी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ रहा था। वे सोच रहे थे कि प्रभु मेरी अंजलि में अपने अत्यंत सुखद चरण कमल रख देंगे, किंतु मिला क्या? मुक्ताहार। हनुमान जी ने उस मुक्ताहार को गले से निकाल लिया और उसे उलट पुलट कर देखने लगे। उन्होंने सोचा, शायद इसके भीतर मेरे प्रभु सीताराम मिल जाएं। बस उन्होंने एक अनमोल रत्न को अपने वज्र जैसे दांतों से फोड़ दिया, पर उसमें भी कुछ नहीं था, वह तो केवल चमकता हुआ पत्थर ही था। हनुमान जी ने उसे फेंक दिया। वह दृश्य देखकर सबका ध्यान हनुमान जी की तरफ आकर्षित हो गया। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे तथा माता जानकी सहित समस्त सभासद आश्चर्यचकित हो रहे थे। हनुमान जी क्रमशः एक एक रत्न को मुंह में डालकर दांतों से फोड़ते और उसे देखते और फेंक देते। सभासदों का धैर्य जाता रहा, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। कानाफूसी होने लगी, आखिर हनुमान जी हैं तो बंदर ही ना। विभीषण जी ने तो पूछ ही लिया, हनुमान जी इस हार के एक एक रत्न से विशाल साम्राज्य खरीदे जा सकते हैं, आप इन्हें इस तरह से नष्ट क्यों कर रहे हैं? एक रत्न फोड़कर ध्यान पूर्वक देखते हुए हनुमान जी ने कहा, लंकेश्वर क्या करूं, मैं देख रहा हूं कि इन रत्नों में मेरे प्रभु की भुवन मोहिनी छवि है कि नहीं, किंतु अब तक एक में भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। जिनमें मेरे स्वामी की पावन मूर्ति नहीं है, वह तो तोड़ने और फेंकने योग्य ही है ना। विभीषण ने शुद्ध होकर कहा, यदि इन अनमोल रत्नों में प्रभु की मूर्ति नहीं है तो आपकी जैसी काया में है क्या? निश्चय ही है, हनुमान जी ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, और भगवान श्री राम के अनन्य अनुरागी हनुमान ने अपने तीक्ष्ण नखूनों से अपने हृदय को फाड़ दिया। आश्चर्य, अत्यंत आश्चर्य। विभीषण ही नहीं, समस्त सभासदों ने देखा कि हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री सीता राम की मनोहर मूर्ति विराज रही थी और उनके रोम रोम से राम नाम की ध्वनि हो रही थी। लंकेश्वर उनके चरणों में गिर पड़े। भक्तराज हनुमान की जय से राज दरबार गूंज उठा। तो चलिए हम भी कहते हैं, जय श्री राम, जय जय हनुमान। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुँचाने में मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें।
मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।